तो प्रॉब्लम क्या था? थायराइड का प्रॉब्लम था, कुछ काम करने में दिक्कत होता था, चलने फिरने में दर्द था थोड़ा, घबराहट जैसा हो जाता था ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो ये दवाई आप कितने टाइम से ले रही है हमारी कंपनी? एक महीना से ले रही है। मैं तो झारखंड धनबाद से हूँ, SLPS Wellness का डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों हमारे पास में भी आज एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है थायराइड का, तो थोड़ा सा इनसे बात करते हैं मैडम से। मैडम नमस्कार, क्या शुभ नाम हो गया आपका? लता देवी। कहाँ रहती हो आप? धनबाद। जी मैम, आपको प्रॉब्लम क्या था? थायराइड का प्रॉब्लम था, शरीर। अच्छा जी, और क्या क्या दिक्कत होता था उससे आपको? श्वास लेने में थोड़ा दिक्कत होता था। अच्छा, कुछ काम करने में दिक्कत होता था, चलने फिरने में दर्द था थोड़ा, घबराहट जैसा हो जाता था ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो इस बीच में फिर आप कहीं से दवाई वगैरह चलवाए थे? हाँ, इंग्लिश दवा खाए थे। अच्छा अच्छा, तो इंग्लिश दवाई कितना टाइम खाए थे आप? इंग्लिश दवा करीब एक महीना खाए थे। तो उससे कोई आराम वगैरह? कुछ आराम नहीं लगा इसलिए हम छोड़ दिए। अच्छा, कौन कौन सी जगह से खाए थे? खरिया से खाए थे, अग्रवाल के पास। अच्छा, और इसके अलावा कोई दवाई भी ले? उसके बाद हमदर्द का दवा खाए थे। उससे कोई फायदा? उससे भी वही मतलब दिक्कत था, दवा खाते थे तो ठीक रहते थे, उसके बाद फिर वैसे हो जाता था। तो क्या जिस समय दवाई खाती थी उसमें क्या पूरा कंट्रोल हो जाता था? दवा खाते थे ठीक रहते थे, कंट्रोल में शरीर वैसा ही था, लेकिन घबराहट कम था। तो क्या शरीर जो अभी जैसा है क्या वैसे ही पहले था? इससे थोड़ा ज्यादा ही था। अच्छा, नहीं नहीं, पहले जब आपको जब आप अंग्रेजी दवाई खाती थी उस समय शरीर कैसा था? खुला हुआ था सर। खुला हुआ था, पैर खुल जाता था। अच्छा, तो अभी आप कौन सा दवाई ले रही हैं आप बताएंगे? ये वाला दवा मेरा चल रहा है। दोस्तों अभी हमारी कंपनी SLPS Wellness का थायरॉइड ले रही है, है ना? तो मैडम इससे भी आपको कितना फायदा है? इससे करीब आधा मतलब आराम हो गया। आधा मतलब 50% कह सकते हैं। तो ये दवाई आप कितने टाइम से ले रही है हमारी कंपनी? एक महीना से ले रही है। सर आप देख सकते हो कि हमारा जो है ये लता जी जो है इनका ये पहले का रिपोर्ट है। पहले का रिपोर्ट में आप देख सकते हो लता देवी जी का T3 जो है आपका 122 था, आपका T4 जो है 10.6 था, और TSH जो है 7.90 था। ये जब हमारा दवाई नहीं लेती थी ऐसे 3-4 महीना पहले का था, जब उनने पहले करवाया था उस समय का। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी इनका रिपोर्ट है, हमारा दवाई एक महीना लगभग इन्होंने यूज़ करा है एक फाइल, और एक फाइल यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं ये लता जी का है, और ये डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 अप्रैल 2019 का है, और यहाँ पे आप इनका देख सकते हैं T3 जो है वह आपका 110 है, और T4 जो है वो 9.2 है, और TSH जो है वो 5.55 है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि तीनों जो है T3 T4 TSH इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी कम है। और सबसे बड़ी बात जो है मैडम का कि अभी इनको जो सांस वगैरह फूल जाता था या चलने फिरने में दिक्कत होता था, और साथ ही साथ जो बॉडी में दर्द रहता था ये बहुत हद तक कम है। सही है ना? वो सब ठीक है अभी का मतलब नहीं के बराबर है। तो आप और बाकी लोगों के लिए क्या कहना चाहोगी, अगर किसी को थायराइड है उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे जो भी दवा खा रहा बंद करके ये वाला दवा खाओ, उसके लिए फायदा होगा। चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच।